दोस्तों आज के डेट में हम सभी लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये स्मार्टफोन क्या है? नॉर्मल फीचर फोन से स्मार्टफोन का अंतर क्या है? कब पहली बार ये स्मार्टफोन रिलीज हुआ था? तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के संग इसी के बारे में बात करने वाला हूं। मैं हूं शायन, आप देख रहे हैं इनसाइडर एक्सपर्ट। दोस्तों स्मार्टफोन एक मोबाइल फोन है जिसमें iOS, Android, ब्लैकबेरी OS, विंडोज मोबाइल जैसे एडवांस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को डाल दिया जाता है। यह जनरली एक पॉकेट साइज डिवाइस है जिसमें आपको एडवांस्ड फीचर्स जैसे के मैप्स, इवेंट्स, नेविगेशन, म्यूजिक प्लेयर, डिजिटल कैमरा का सुविधा भी साथ ही साथ उपलब्ध होता है। साथ ही साथ आप इंटरनेट यूज करके वेब ब्राउजिंग भी कर सकते हैं और कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यानी कि एप्स डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। इस डिवाइस में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दिया जाता है जिसके हेल्प से आप इस डिवाइस को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। स्मार्टफोन्स का जो डिस्प्ले होता है वो जनरली या फिर ज्यादातर टच स्क्रीन होता है और यहाँ पे आपको एक वर्चुअल कीबोर्ड देखने को मिलता है जिसके हेल्प से आप कोई भी लेटर या नंबर इनपुट कर सकते हैं। दोस्तों 1999 में एक जापानीज कंपनी एनटीटी डोकोमो ने पहली बार स्मार्टफोन रिलीज किया था, लेकिन वो सिर्फ जापान में ही किया था, बाहर के देशों में नहीं। और 2000 के बाद से दुनिया भर में स्मार्टफोन वाइडस्प्रेड होना चालू हो गया, लेकिन वो स्मार्टफोन्स उतना खास, उतना फीचर वाला नहीं था। हालांकि 2012 से जो स्मार्टफोन्स रिलीज होने लगे हैं वो बहुत ही एडवांस्ड है। उसमें आपको मोबाइल पेमेंट सिस्टम देखने को मिलता है, आप उसमें एडवांस नेटवर्क्स जैसे 4G LTE यूज कर सकते, आपको मोशन सेंसर्स मिलता है जैसे कि जायरोस्कोप सेंसर, एक्सीलरोमीटर सेंसर, यहाँ की बॉडी सेंसर्स तक भी आपको मिलता है। 2013 में सैमसंग और LG ने पहली बार OLED डिस्प्ले के साथ फोन्स लॉन्च किया था और 2014 में LG पहला कंपनी था जो कि 2K डिस्प्ले स्मार्टफोन्स में लेके आया था। सिर्फ यही नहीं बल्कि LG का जो G3 स्मार्टफोन था उसमें पहली बार कैमरा में लेजर फोकस देखने को मिला था। फिलहाल तो दोस्तों कैमरा में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी आना चालू हो गया है और सिर्फ यही नहीं बल्कि फ्यूचर में हम लोग शायद एक फोल्डेबल स्मार्टफोन देख सकते हैं जो सैमसंग और एप्पल ने ऑलरेडी तैयार करना चालू कर दिया है। तो दोस्तों शायद स्मार्टफोन्स के बिना हम कुछ भी नहीं है। फिलहाल तो लोग कंप्यूटर से ज्यादा अपना स्मार्टफोन पे टाइम ज्यादा बिताते हैं और स्मार्टफोन शायद हमारे जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूं मेरा ये वीडियो देख के आप लोग जान गए हैं कि स्मार्टफोन क्या होता है। लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन बिलो। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।